नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के हमारे आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तेरा वास्ते में क्या लाई उपमा, तेरे को अच्छा लगता है ना? इसको इंसाफ नहीं बोलते, इसको हत्या बोलते। तुम लोग मेरे पति का जान लेगा ना? कुछ नहीं किया रही है, मेरे को मालूम, ये कानून नहीं है, ये अन्याय है। चुप बैठ रहे, हिम्मत है ना तो उन लोगों को पकड़ो जिन लोगों ने इसे करवाया, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। यह अंत था एक ऐसे दौर का जिसके बारे में सुनकर रूह कांप उठेगी। जया भास्कर पिल्लई को मौत की सजा सुनाई गई थी। उसने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया, फिर राष्ट्रपति से भी माफी की अपील की, लेकिन उसके खिलाफ केस इतना मजबूत था, इतना संगीन था कि माफ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। पुलिस ने उसके खिलाफ 6 हत्याओं के लिए केस चलाया और उसे सजा दिलवाई, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह शख्स था कौन और इसने कत्ल क्यों किए। 1980 के दशक के कुछ सालों में रईसों की तरह जीने वाले इस शख्स को लोग ऑटो भास्कर के नाम से जानते थे, लेकिन आज का यह ऑटो भास्कर कभी केरला से आकर तमिलनाडु के बॉर्डर इलाके में बसे एक परिवार का होनहार लड़का जया भास्कर था। भास्कर ले पोइंटा, भास्कर पोइंटा, भास्करा, अयो भास्करा, कितना आवाज लगा यार, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं पढ़ रहा था। चल चल खाना खा ले, चल। मुझे भूख नहीं है। तेरा भाई सोहान तेरा इंतजार कर रहा है, उसको बोलो खुद खाना खा ले। वो तेरे साथ ही खाएगा, तू नहीं आएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा मुझे छोड़ के, ये सब पता लगा दे। वैसे चुप कर, चुप चुप चुप। अम्मा अगर वो चला गया ना तो मैं उसको बहुत मारेगा। अयो भास्करा, अयो भास्करा, ये नाइट सोहन ना? पानी लेके आ, गर्म पानी रखा है लेके, जल्दी जल्दी। कैसे हुआ रे? देव रे, कैसे लगा रे? सच सच बता, कैसे लगा?
तो साला रामचंद्र पैसे काट रहा था मेरा, पूरे दिन की मजदूरी में 20 रुपए कमाता मैं, साला 5 रुपए ले जाता। तो दे देना था ना। अरे ऐसे कैसे देता अम्मा, तालू को पैसे तलबे में मिले आए, वो पैसा वो ले जाए। ताकत है मेरे पास लेकिन पैसे का ताकत नहीं। पैसा नहीं तो कुछ नहीं अम्मा, पैसा है तो सब कुछ है, और गाँव में रहकर मैं पैसा नहीं कमा सकता। मैं जाएगा अम्मा मद्रास जाएगा। मद्रास? हाँ। मद्रास में तेरा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा माया है ना, माया रखेगा अन्ना का ख्याल। माई कहती है तू पहले शादी कर ले फिर मद्रास जाना। तमिलनाडु के हर छोटे शहर और गांव में रहने वाले के लिए मद्रास सपनों का शहर माना जाता था। लोग हर जगह से मद्रास इसलिए आना चाहते थे ताकि वो बड़े आदमी बन सके। मद्रास का दिल तो काफी बड़ा था लेकिन उसके पास हर शख्स को रोजगार देने की क्षमता नहीं थी। भास्कर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नौकरी तो नहीं मिली लेकिन एक दोस्त की मदद से रिक्शा किराए पर मिल गया चलाने के लिए। भास्कर मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत और उसकी गांव की जिल्लत शहर में भी साय की तरह उसके साथ थी। सर ऐसा कम दिया आपने तो क्या जायदाद तेरा नाम लिख दूं? एक तो रिक्शा इतना धीरे चलाता है, अरे इससे अच्छा तो मैं पैदल चलाता। तो आना था ना पैदल, रिक्शा धीरे नहीं चलेगा तो और क्या, तुम अपना वजन भी तो देखो। ऐसा कह रहे रिक्शा में मोटर फिट कर ले। मोटर? मोटर फिट नहीं करेगा मैं, ऑटो रिक्शा करेगा मैं, और सबसे पहले तेरे को कुछ लेगा। ऐसा बड़ी बड़ी बातें करता जैसे लाट साहब क्या राजा। अरे देखते नहीं चलता किधर को भागता है। आपने मेरे अप्पा को क्या देखा है? भाग गया तेरा अप्पा। अप्पा ऐसे अप्पा का सपना, रोज रोज वही सपना, रोज नींद खराब कर देता है। चला गया तेरा अप्पा, सो जा। கொஞ்சம் சாதம் கொடுவோம், சுனா நீ கே சாவல் தே மேரேகோ। जितना था मैं सारा दे दी, अब नहीं है। ए चावल नहीं तो रोज अम्मा की दुकान से लेके आती ना। गई थी, पिछला हिसाब चुकाया क्या? फिर अम्मा बोली लड़का 12वीं पास है, मद्रास जाएगा तो बहुत सारा पैसा कमाएगा। इसको क्या पता था मेरा शादी एक रिक्शे वाला से हो रहा है। इससे अच्छा होता कि मैं गांव में कुंवारी ही रह जाती। तो चली जा वापस गांव, गांव से यहां मद्रास आकर बहुत मुंह चलने लगा तेरा। माँ कहती थी लड़की किस्मत लाएगी, यहाँ मद्रास आकर कोई हाथ नहीं लगा मेरा। अरे किस्मत फूट गई है मेरी। किस्मत तो मेरी फूट गई है, दो टके का आदमी, इससे अच्छा तो मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ सर? बॉटल किधर है? कौन सा बॉटल सर? दारू का बॉटल। दारू का बॉटल मेरे पास नहीं है सर, मैं कोई धंधा नहीं करता सर, उल्टा आपने डंडा मार के डेंट मार दिया सर। बाली का रिक्शा सर, जुर्माना भरना पड़ेगा मेरे को। जुर्माना पड़ेगा? इलीगल काम तू करता है, जुर्माना मेरे से लेगा। चल निकल। क्या अब तक निकल पहला, जब से इधर दारू बंदी चालू किया तुम लोगों ने रिक्शा में बॉटल सप्लाई कर रहा था सब मालूम मेरे को। चल निकल। गरीब का मेहनत का पैसा लेता सर, वो पुलिस वालों को पैसा चाहिए था तो पैसे ले लेता मेरे से। रिक्शा में डंडा मारने की जरूरत क्या था? रिक्शा में कोई बोतल लेके जाता है क्या? क्या हुआ रे, हंसता क्यों तुम लोग? ना बात कर, तू बहुत टेंशन लेता रे, ये सब ना होता रहता है। अब तू नया है इसलिए तुझे पकड़ा, हमको इतने सालों से किसी ने पकड़ा गया। पकड़ा नहीं मतलब? अड़ा हम लोग भी रिक्शा से दारू का बोतल लेके जाता लेकिन अभी तक किसी को मालूम पड़ा। पड़ा भी तो क्या हुआ, चार बार में एक बार पकड़ा भी गया तो क्या हुआ, पैसा तो मिलेगा ना। क्या रे मद्रास में नशा बंदी मालूम नहीं तेरे को? नशा बंदी है इसके लिए तो दारू सप्लाई करने का डबल पैसा मिलता।
बॉटल अन्ना अगर तू ये सोच रहा है कि तू बोतल लेके भाग जाएगा तो एक बात याद रखना, हम तेरे को पाताल में से भी ढूंढ के निकाल के लाएंगे और फिर वो बोतल तेरे को किधर किधर डालेंगे तेरे को मालूम नहीं। नहीं अन्ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये भास्कर अपना आदमी। घर में कौन कौन है? कोई नहीं। वो अन्ना इसका बीवी था, वो भाग गया। एक छोटा भाई है और ये बस, दोनों और कोई नहीं। मेरे को ज्यादा मालूम है। सुन, अगर एक भी बोतल टूटा तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, तेरा पैसे में से कटेगा। ए सनी, आना मनी के इधर, चार बोतल देने का ना इसको, दे दे का। मद्रास में नशाबंदी होने की वजह से कुछ लोगों ने अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। बड़ा आदमी बनने के उस सपने को पूरा करने की तमन्ना थी जो उस वक्त मद्रास आने वाला हर व्यक्ति देखता था। लेकिन भास्कर जो कि एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसने गैर कानूनी धंधा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने एक ऑटो खरीद लिया और इस तरह उसकी सोच ने रफ्तार पकड़ी और अब वो और धड़ल्ले और तेजी से शराब की बोतलें पहुंचाने का काम करने लगा। हाँ कुमार, कम चलेगा क्या? बैठो, बैठ बैठ बैठो, बैठ। दस रुपए मैडम। कौन थी? पैसेंजर थी सर। अरे सर वड़कम, आपने पहचाना मुझे? आप मेरा रिक्शा पकड़े थे ना। हाँ वो सब छोड़, रेट क्या उसका? कैसा रेट सर? अभी अभी माँ के गोद से उतरा है क्या, जो समझा नहीं है? चल फिर सर, हमारा रिक्शा निकाल। क्या कर रहे सर आप? निकालना। ये इतना पैसा क्या तू रिक्शा चला के कमाए? अम्मा है, देख सब मालूम है हमको, तू लड़की सप्लाई करता है, इसमें गलत क्या है? तू किसी की प्यास बुझा रहा है, तेरा भी जेब गर्म हो रहा है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रख। है और तू इस एरिया में ना आराम से धंधा कर, तेरे कोई नहीं रोकेगा, बस हमारा ध्यान रखना है। चल। लड़की सप्लाई। तो अब तू लड़की सप्लाई करेगा? हाँ ना, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये मेरा भाई, छोटा भाई, ये सोहन, ये बोतल बेचने का काम करेगा आपसे। लेकिन मैं अब लड़की पहुंचाएगा। ये धंधा इतना आसान नहीं है, बोतल छुपा सकता है, लड़की किधर छुपाएगा? ऑटो की सीट के नीचे या वो इंजन के अंदर? अन्ना बोतल पहुंचा के मेरे को 20 रुपए मिलता, लड़की पहुंचाएगा तो 200 कमाएगा मैं। देख ये धंधा के अंदर एक से बढ़कर एक कमीना लोग है, मारा मारी, खून, लड़ाई झगड़ा, ये सब रोज का बात है, तो तेरे को क्या लगता है ये धंधा करके तू बड़ा आदमी बन जाएगा? इसको दलाली बोलते हैं, दलाली। दलाली, भाईगिरी, कुछ भी करके मैं बड़ा आदमी बनेगा अन्ना। कस्टमर आया क्या? आता होगा। क्या आता होगा, 2 घंटे के लिए लेके आया मैं इसको, और ये धंधे वाली लड़की बहुत चार्ज करती है,
एक घंटा इसको इंतजार करते लग गया तो हम कमाएंगे क्या रे? कुछ और प्लान करना पड़ेगा। चलो उतर। अरे उतर चल। चल रोना बंद कर, ज्यादा रोएगी ना तो किसी गड्ढे में मरी पड़ी मिलेगी। चल चल। अन्ना ये धंधे वाली नहीं लगती? दो चार रोज में लगने लगेगी। अरे पर लाया किधर से इनको? जब किसी भी चीज का चस्का लगता है तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और यही हुआ था भास्कर के साथ। उसकी भी सोचने समझने की ताकत आगे बढ़ने की होड़ में कहीं गुम हो गई थी। भास्कर की आगे बढ़ने की धुन ने अब जुनून का रूप ले लिया था, और अपने हलके में वो ऑटो भास्कर के नाम से मशहूर हो गया था। साहब मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? घर से बस बाजार जाने के लिए निकली थी साहब, इकलौती बेटी है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी इलाकों से कई लड़कियां गायब हुई है। हर इलाके से लड़कियां गायब हो रही थी। पुलिस छापे में मिली कुछ लड़कियों ने ये बात कबूल की कि वो पैसों की तंगी की वजह से खुद ही अपने घरों से भागी थी, और कुछ ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें बेच दिया था। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ गुमशुदा लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं आई थी। सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिए गए। जहां एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीर थी, वहीं मुजरिम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आवाज तो नहीं किया ना, कहाँ से उठाए थे? मम्बरम स्टेशन के पास भटक रही थी। अन्ना दोनों को ठीक से समझा दिया, जरा भी आवाज करेगी ना। ए, 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 तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे? लड़की हमारे साथ, तेरी सिस्टर लगती। ओमी कुट्टी का नाम सुना है तू? पकड़ रे लड़की, पकड़। अन्ना अन्ना सुनो मेरी बात, देख बात करते ना, अंदर चलो ना, थोड़े दो मिनट बैठो तो पैक मारते थे। क्यों फट गई? चल पिला चल। सर ऑटो में लड़की किडनैप करने की कोशिश की गई, भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटो का नंबर नहीं देख पाई। जिस जगह पे ये हादसा हुआ था कोई आई विटनेस? नहीं सर। अनुज जिस स्टैंड पर ये हादसा हुआ है वहाँ पे नजर रखो, वहाँ के हर रिक्शा वाले से पूछताछ करो, सिविल ड्रेस में एक टीम तैयार करो, जितने भी इलीगल शराब के ठेके वहाँ छापे मार, उनके ओनर से बात करो, और किसी पर भी जरा सा भी शक हो जाए उठा कर लेकर आओ, जो किसी भी हाल में ये केस क्रैक करना है। जी सर। सर 9 दिन में 9 लड़कियां गायब, हमारे पास अब तक कोई भी क्लू नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अगर जमीन निकल गई है तो मुझे यही पता करना है ये जमीन किसकी है और कहाँ है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस केस की तह तक जाने के लिए। कुछ रेड्स के दौरान प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स के बारे में भी पता चला, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। वो दौर टेक्निकल प्रगति का दौर नहीं था, ना तो मोबाइल रिकॉर्ड्स होते थे और ना ही लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। पुलिस को ग्राउंड लेवल पर जाकर प्रैक्टिकली हर चीज का जायजा लेना पड़ता था, जिसमें वक्त भी लगता था और मेहनत भी। लेकिन पुलिस पूरे जोश के साथ इस केस की तहकीकात में लगी हुई थी, और इन सब में एक नाम सामने आया। मैंने सुना एक ऑटो भास्कर नाम का कोई आदमी चलाते है इसे। ये पूरा धंधा वो अकेले चलाते हैं? उनके और भी 3 साथीदार है, कुमार, संजीत और राजेश। बोलो सर, कितने घंटे के लिए चाहिए?
अरे इधर उधर क्या देखते हैं सर, बोलो ना। ये इतने ही है तुम्हारे पास? और भी है ना, अंदर चलो तुमको सुपर लड़की दिखाता है। आजा। कैसा है ना सर, अगर जेब में ताकत रहेगा ना तो और भी फ्रेश माल मिलेगा। 12 साल 16 साल 14 साल कैसा है? अच्छी है, ऐसी और भी है? स्टॉक है। चलो आराम से बात। अरे आराम से बात करने के लिए टाइम नहीं है सर, सिकरम सोलंगा सर, क्या मेरा कस्टमर आ जाएगा ना तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कभी भी आएगा। बोला था ना आराम से बात करते हैं, बहुत टाइम मिला। शुभश्री अंदर से लड़की को लेके आओ। बता बाकी लड़कियां कहाँ हैं? ये धंधा ऑटो भास्कर का है ना? कहाँ है वो? कौन ऑटो भास्कर? मैं नहीं जानता सर। सर ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। राजेश इसे थोड़ा पुलिस वाला प्यार बताओ। सर मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मार दो सर। अरे ऑनलाइन के मार दो सर, मार जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुस सकते हैं? हाँ मैंने बोला ना मेरा पति घर में नहीं है, कितना टाइम बोलने का आप लोग को? सर मैंने क्या किया सर, आप ऐसा कैसे पकड़ा सर हमें? मैंने सर मैंने क्या किया सर? हमने तो कहा था ये घर पर नहीं है, ले चलो इसे। अरे ऐसे कैसे सर, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर। देखो सर बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लेके नहीं जा सकता मेरे को। सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, चल। और लेकिन बोलो तो सही, मैंने किया क्या सर, ऐसे कैसे लेके जा सकता? क्यों लाया मैं? मैं क्या किया सर? सर आपको मिस्टेक हुआ सर, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 12वीं पास हूँ सर, आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि हालात ने साथ नहीं दिया, बाप छोड़कर चला गया था बचपन में, अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया हम दोनों भाइयों को। सर मैं अपने मेहनत से खुद को बनाया, गाँव से मैट्रस आया, साइकिल रिक्शा चलाया, ढंग का काम नहीं मिला तो ऑटो चलाया सर, मैं अपने मेहनत से 3-3 ऑटो बनाया सर, और उसके बाद और ऑटो के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी करते हो, लड़कियों को उठवाते हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तुमने। क्या बात करें सर आप, मैं एक सीधा साधा घर वाला आदमी हूँ, मैं क्या लड़की उठाऊंगा सर, मेरी खुद की बीवी मुझे धोखा देकर चलेगी। अगर मैं ये धंधा करता तो अपनी बीवी को नहीं ढूंढ लेता, मैं इधर इसी पुलिस स्टेशन में आया रिपोर्ट लिखवाने। कैसी रिपोर्ट? चोरी की रिपोर्ट सर, मैं जून में आया था रिपोर्ट लिखवाने। वड़कम सर, बोलो। मेरी बेबी मेरा पैसा और कैमरा लेकर भाग गई सर। कितना पैसा? 9,500 रुपये लेकर भाग गई सर। किसी के साथ कोई चक्कर है क्या? मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त एक मेरे साथ काम करता है राजेश, वो भी गायब है सर। कोई फोटो है उनका? हाँ सर, ये राजेश मेरा दोस्त, ये रुक्मणी है मेरी बीबी। फिर रुक्मणी के बारे में कुछ पता चला? हेलो सर, बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं चला, फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया। एक दिन यही ये पुलिस स्टेशन से खबर आया कि मेरी बीबी मिल गई है। ए? हाथ उठाएगा ना तो अंदर डाल देगा। चोरी इसने किया, धोखा इसने दिया, और आप बोलता है मैं अंदर? वो धोखा दिया तेरा निजी मामला है, जहां तक बात रही चोरी की तो तेरा दोस्त पकड़ा गया, उसे कबूल किया है कि तेरा 9,500 और कैमरा उसी ने चुराया, केटी वार्ड में रह रहे थे दोनों पति पत्नी की तरह। सर इसने क्या बोला? ये बोली है तेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ए, पीछे हट, तेरे साथ जाना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? बोलिए मैडम कहाँ जाना आपको? मैं बैंगलोर जाएगी, मेरा दादा रहता है उधर, मैं इसके साथ नहीं जाएगी साहब। स्वामी 6 बजे बैंगलोर की ट्रेन जाती है, छोड़ाना मैडम को। सर बैठिए आप, आइए।
जा तू। सर सर वो राजेश वो सब हम देख लेंगे, उसे कब छोड़ना है। तेरा 9500 और कैमरा दिया उसने, बाहर जाके साइन करके लेके जा। उस दिन आखिरी बार मैंने रुक्मणी को देखा सर, फिर वो बैंगलोर चली गई, फिर नो कॉन्टैक्ट। यही ना तुम्हारी बीवी रुक्मिणी? आमा सर। तो फिर घर में जो थी वो कौन थी? वो मेरी तीसरी वाइफ सर। तीसरी वाइफ? मेरी पहली वाइफ भाग्यलक्ष्मी मुझे छोड़कर चले गई, ये इसका फोटो आपने दिखाया, वो मेरी दूसरी वाइफ रुक्मिणी। ये कुछ लड़कियों के फोटो है, ध्यान से देखो, हो सकता है कि इनमें से किसी को तुमने देखा हो या जानते हो। नहीं सर मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। ध्यान से देखो। हमें पता चला है कि इन लड़कियों को तुमने जिंदा जला दिया है या तो दफना दिया, तुम तो कहते कि तुमने देखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर आप, आपने तो मुझे हैवान बना दिया। मैं ऑटो रिक्शा वाला हूं सर, अपने मेहनत से, आपको पता है अपने मेहनत से तीन तीन ऑटो बनाया मैं, घर में बीबी है, छोटा भाई है, मेहनत का पैसा कमाता हूं मैं क्यों मारूंगा इनको। ठीक है जाओ तो, लेकिन मद्रास छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू सर। सर इसे कस्टडी में लेके इंटरोगेट करते हैं। कोई फायदा नहीं अनुज, हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 24 घंटे नजर रखो इस पर, ये कहा जाता है, किससे मिलता है सब पता करो। इसकी दूसरी बीवी जो बैंगलोर गई है उसका दोबारा से स्टेटमेंट लो, और इसकी पहली बीवी उसका भी स्टेटमेंट लेना। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर इसे इंटरोगेट करते हैं। जी सर। पुलिस को भास्कर पर शक तो था, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उन 9 लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चला था, और उन लड़कियों के माता पिता अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे। इसी बीच तमिलनाडु में एक भूकंप सा आ गया, राज्य के चहीते चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया, और राज्य में गवर्नर रूल लागू कर दिया गया। सभी माता पिताओं ने मिलकर गवर्नर साहब को अर्जी दी कि उन्हें इंसाफ मिले। 9 केसेस तो सामने थे, पर पता नहीं ऐसे कितने और केसेस होंगे जिनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई होगी। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई थी। सर भास्कर के पहले दोनों बीवियों के बारे में पता करने की कोशिश की। भास्कर ने बताया था कि उसकी पहली बीवी भाग्यलक्ष्मी उसे छोड़ के गांव चली गई। हमने भाग्यलक्ष्मी के गांव के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया, वहां की पुलिस ने बताया कि वहां पूछताछ के दौरान पता चला है कि भास्कर के साथ भाग्यलक्ष्मी मद्रास आई थी, लेकिन वापस कभी गांव लौटी ही नहीं। अच्छा, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी दूसरी बीवी रुक्मिणी जो उसके 9500 रुपए और कैमरा लेके भागी थी, और जो बाद में अपने भाई के घर बैंगलोर जाने वाली थी, कभी बैंगलोर पहुंची ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, उसे तो कांस्टेबल के सुपुर्द किया था ना बैंगलोर जाने वाली ट्रेन में बिठाने के लिए। जी सर, उस कांस्टेबल का ट्रांसफर तलाकात हुआ था, उसे यहां बुला लिया गया। सर मई रुक्मिणी को मद्रास स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझको भास्कर मिल गया। गाड़ी बीच में क्यों लगा साहब? दो मिनट क्या हो रहा है? दो मिनट साहब। लेकिन अरे ए लड़की को किधर लेकर जाता है? सर अच्छा जाने दो, पति पत्नी है, घर का प्रॉब्लम सॉल्व है। कैसा बात करेगा सर? हमारा सुलह हो गया सर, ये चल रही है मेरे घर, है ना? हाँ बोलना सर को। एक मिनट आप बोलो, आपको इसके साथ जाना है? अगर जाएगी सर जाते के बारे में सोच अपने, समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? बोलना सर को। ठीक है जाइए आप। राइट सर। सर हमारे सारे कोशिशों के बाद भी रुक्मिणी का कहीं भी कोई पता नहीं चला, लेकिन हाँ भास्कर के पुराने घर के बाहर एक दुकान है, जब हमने उस दुकान वाले से बात की उसने बताया कि उसने उस दिन भास्कर के साथ रुक्मिणी को घर जाते हुए देखा था, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन रुक्मिणी को ट्रेन में बिठा के बैंगलोर भेजा जाने वाला था। मुझे जितना याद था मैंने बता दिया सर। उसके बाद तुमने रुक्मिणी को कभी देखा नहीं? नहीं सर, उस दिन के बाद मैंने रुक्मिणी को कभी नहीं देखा। ये भास्कर के बारे में क्या जानते? ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब, सुनी सुनाई बातें है कि वो लड़कियों का धंधा करता था या बहुत सी लड़कियों की उसने जान ली है, पर उसकी पहचान बहुत थी साहब। तुम्हें कैसे पता?
कभी उसे किसी के साथ देखा है? एक बार देखा था साहब, सरकारी गाड़ी में जाते हुए। सर हमने उस गाड़ी के बारे में पता किया, वो गाड़ी मिनिस्टर राजा की थी। जब हमने मिनिस्टर राजा के ऑफिस में पूछताछ की, उन्होंने बताया कि वो गाड़ी मिनिस्टर राजा की पर्सनल गाड़ी है, जो उन्होंने करीब एक महीने पहले बेच दी थी। इसका मतलब ये भास्कर राजा सर को जानता ही नहीं, ये तो उस आदमी को जानता है जिन्होंने राजा सर की गाड़ी खरीदी थी। दूसरी बात, अगर भास्कर रुक्मिणी के साथ अपने घर गया था तो उसने ये बात हमसे छिपाई क्यों? पर उस दिन तो वो ये बता रहा था कि वो बेचारा है, सब उसे छोड़ के चले जाते हैं, पर रुक्मिणी को उस दिन के बाद कभी मिला ही नहीं। बहुत शातिर कौवा है ये। अरेस्ट वारंट निकालो इसका और उसके घर की तलाशी लो। सर सच्ची बोल रही हूँ, मेरा पति किधर गया मुझे नहीं मालूम। वो तो तुमने पिछली बार भी बोला था। सर मेरा यकीन करो सर, वो कुछ नहीं किया। ये फोटो में तुम्हारा पति जिन बड़े लोगों के साथ खड़ा है उस बारे में कुछ जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती इनका बारे में। तुम पति के बारे में जानती क्या हो? सर ये कुछ नाम और नंबर्स। तुम्हारा पति अगर घर पर आए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना, और झूठ बोलकर अपने पति को बचाने की कोशिश भी मत करना। वो जहां कहीं भी होगा ना, हम लोग ढूंढ निकालेंगे उसे। और कितनी जगह यहाँ पर ये धंधा चलता है? सर ये रास्ता पूरा उसी का है। तो कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर जान प्यारी है, वो गुंडे बदमाश लोग है। किसका ये सब? पक्का तो मुझे मालूम नहीं, सुना है कि ऑटो भास्कर का है। ठीक है सर, ये भास्कर का दोस्त संजीत। भास्कर का है? सर मेरे को क्यों पकड़े सर? आपको गलत ही लगता है सर, मैंने कुछ नहीं किया। भास्कर के बारे में और क्या जानता है? सब मैं भास्कर को तब से जानता जब से वो मद्रास में आया। उसके बाद वो बोतल का उसकी पहली दोनों बीवियों का क्या हुआ वो बता। साहब भास्कर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। कौन सी वाली, पहली या दूसरी? दूसरी वाली सर, भास्कर को उस पर दिल आ गया था सर, मैंने भी उसको मिलवाया उसे। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, लेकिन फिर काना बहुत अच्छा बना है। आपका हाथ में ना सच्ची में जादू है। सर उन सभी लोगों से बात की जिनकी तस्वीरें भास्कर के घर पे मिली थी, सबका यही कहना है कि वो किसी भी ऑटो भास्कर को नहीं जानते। तो फिर वो तस्वीरें? सर हो सकता है कि उसने सर भास्कर को बस स्टॉप की तरफ जाते हुए देखा गया। अनुज यू टेक द चार्ज, अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। शहर में नाकाबंदी लगा दो, बस डेपो पे इन्फॉर्म करो, कोई भी बस विदाउट चेकिंग नहीं जानी चाहिए। रेलवे पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। सर ऑटो भास्कर चल तेरी ऑटो शुरू कर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मालूम नहीं। फिर बीविया कहाँ है? वो घर पर है। ने तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने पूछा तुम्हारी बीविया कहाँ है? घर पर सुहासिनी है जो तुम्हारी तीसरी बीवी है, पहली दो बीविया कहाँ है? मालूम नहीं। तुम्हारे घर से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे वीआईपी लोगों के साथ,
इनको तू पर्सनली जानता है? हाँ माँ सर, सबके साथ दुआ सलाम है अपना। अब उनसे पूछिए ना, वो लोग बताएंगे मेरे बारे में सब कुछ, मैं कैसा हूँ। पूछा इन लोगों से? वो लोग तो बोलते कि किसी ऑटो बस्कर को जानते ही नहीं। प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, उनमें से होगा कोई। वो लोग ने ऐसा क्यों बोला आपको? ये फोटो देखिए आप, मैं ही खड़ा हूँ उनके साथ। फोटो कभी झूठ नहीं बोलता है, उस तो ताल्लुक होगा ना मेरा उनसे। ताल्लुक होगा ही, और तेरा ताल्लुक तेरे दोस्तों से भी है, और तेरे दोस्तों का ताल्लुक तेरे क्राइम से। भला इसी में है कि तू अपना मुंह खोल दे, तेरे सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं कोई बात नहीं, जब मन करे तब मुंह खोल देना, लेकिन सच बोलना, इसके इंजन में ऑयल अच्छे से डालना। तुमने हवालदार से ये कहा था कि रुक्मिणी तुम्हारे साथ चलने के लिए मान गई और तुम उसे लेकर गए थे, और उसके बाद से रुक्मिणी को किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे समझाया और वो घर चलने के लिए राजी हो गई थी, पर अचानक रास्ते में उतरकर भाग गई। भाग गई? रुक्मिणी को किसी ने तेरे साथ तेरे घर के अंदर जाते हुए देखा है? अब सिर्फ सच बोलना, वरना ये हटाओ। राजेश को कस्टडी हुई थी और उसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। जमानत से बाहर आने के बाद राजेश कभी मिला था तुझे? इल्ला, कभी नहीं। हमारे पास गवाह है जिसने रुक्मिणी और तुझे तेरे पुराने घर में जाते हुए देखा है, और दूसरे दिन राजेश और तुझे भी उसी घर में जाते हुए देखा है, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस घर से बाहर आते वक्त नहीं देखा है। कहाँ है दोनों? एक मिनट रुको। तेरे घर की खुदाई की गई, पुलिस को वहां कंकाल मिले, और अभी तक 9 लड़कियां, तेरी 2 बीवियां, तेरा दोस्त राजेश गायब है। अब इतना बता दे, वो कंकाल इनमें से किसके है? वो कंकाल इनमें से किसी का नहीं है साहब। तो किसकी है? वो लाश उन लड़के में से एक का है साहब, जो हमारे शुरुआत के दिनों में हमारे इलाके में आकर हमारी लड़कियां बाहर ले जाना चाहते थे। ए, पकड़ रहे लड़कियां, पकड़। ए, अन्ना अन्ना सुनो मेरी बात, एक बात करते ना, अंदर चलो ना, अब थोड़े 2 मिनट बैठो तो पैक मारते हैं। बड़ा बिजनेस माइंड है रे ये, बड़ा आगे जाएगा। लौंडिया को दे नहीं रहा था, अब देखो कैसे है बिना वो पतली वाली को तो छोड़ ही नहीं। इन तीनों को गड्ढा करके गाड़ दे रहे यहाँ पर। पीट पीट कर मारा था सब उनको। और रुक्मिणी, उसके साथ क्या किया था? नहीं नहीं जाएगी। चल बात करते हैं, चल चल लेकर। मुझको माफ कर दे, गलती हो गया। क्या गलती हो गया? सुन रहे हैं कि मैं धोखा किया तुम्हारे साथ, और राजेश से भर किया, और मुझे माफ कर दे। अरे किस बात की माफी है तो बता। मैं बुरी है? तू बुरी नहीं है, बहुत बुरी है।
तू मेरे को छोड़कर नहीं जाएगी, दुनिया छोड़कर जाएगी। साली तू इस लायक ही नहीं है। जितना प्यार से दिया था तेरे को उतना ही नफरत से लेगा। मैं इसको मार के उसका बॉडी गाड़ दिया घर में, लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं तो उसको बहुत ए, बंद कर तेरा नाटक। राजेश को क्यों मारा और कैसे मारा ये बता। राजेश का भी कंकाल मिला है तेरे घर से? उसका कंकाल आपको मेरे घर से मिला, लेकिन मैं तो उसको देख भास्कर। अरे तू घबरा क्यों रहा है? मैं कुछ नहीं करेगा। देख तेरे मेरे बीच में प्रॉब्लम क्या था रुकमणी ना? वो तो गई। अरे वो गई ना बैंगलोर अपने दादा के पास। लड़की के लिए अपना दोस्ती क्यों खराब करेगा? चल पुराने टाइम को याद करते हैं, दारू पीते हैं। चल। अरे बाद में। अरे चल रे, बहुत घबराता है। चल। Yes! अपने पुराने दोस्ती के नाम। ए कुमार कुछ खाने ला दे। ला जल्दी। ए राजेश एक बात बता, तू मेरा घर में खाना खाने आता था ना? हाँ बहुत बार। खाना मेरी बीवी रुकमणी बनाती थी ना? टेंशन क्यों ले रहे? अरे वो हम दोनों को बना के गई। हमको हंसने का हक नहीं है क्या? हाँ बोला खाना रुकमणी बनाती थी ना? खाना अच्छा बनाती थी। अच्छा बनाती थी। अच्छा एक बात बता, खाना जब वो खिलाती थी तो वो तुम दोनों कहाँ का मिलता था कि मतलब नए मटक का होता था क्या? बहुत बार। हाँ वो क्या करती थी, मेरे को जब खाना देती थी ना तो मेरे को ऐसा देखती थी, फिर मुस्कुराती थी साली मेरे को देख के मुस्कुराती थी। तो मैं भी उसका हाथ पकड़ लेता था। अभी मैं क्या करेगा? जब मैं घर में नहीं होता था तो तुम लोग इसी बिस्तर में। भास्कर मेरे को चढ़ गए रे। अरे बैठ। मैं बोला तुम लोग इसी बिस्तर में आके मेरे बारे में बात करते थे ना, रातें रंगीन करते थे ना। बोल देख भास्कर, भास्कर बोल। तेरा भास्कर इसी बिस्तर में रातें रंगीन करते थे ना? भास्कर मेरा बोल, तुम दोनों बातें करते थे ना? बोल। छोड़ दे, मर गया सर। इसको लेकर जाओ, यहाँ रुकमणी को काट है, इसको यहाँ रखने का नहीं, इसको जला कर चमन में फेंक दिया, मच्छी खाने के लिए जा। हमें खबर मिली कि राजेश का दोस्त गोविंदम वो भी काफी दिनों से गायब है। करना पड़ा गायब सर, जब देखो पुलिस की तरफ पीछे पीछे आके पूछता था राजेश कहाँ है, राजेश कहाँ है, आए नहीं अब तक। उस दिन जब आया तो मैंने ए राजेश कहाँ है बता मेरे को, नहीं तो पुलिस के पास जाएंगे मैं। पुलिस के पास क्यों जाता रहे तू? मैं मिला था ना तुझे? आ नहीं यहीं मिलने का मेरे को। अरे छोड़ मेरे को। और वो 9 लड़कियां जो गायब है, क्या किया उनके साथ? नहीं जानता, इतना किया जो जानता था सब बता दिया। 6 मर्डर किए तूने, फांसी से कम सजा तुझे हो गई। हालात से निराश और हताश होकर भास्कर ने जो रास्ता चुना वो सरासर गलत था। ऑटो भास्कर की कहानी हमें ये सीख भी देती है कि मेहनती इंसान सीधे रास्ते पर चलकर भी तरक्की पा सकता है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगे। भास्कर के पास हुनर था, शिक्षा थी, लेकिन उसने बहुत जल्द मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया। कामयाबी का भी अपना एक नशा होता है और ये नशा इंसान के होश ऐसे उड़ा देता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है, अच्छे और बुरे का फर्क मिटा देता है।
हालात से हताश होकर उठाया गया एक गलत कदम उसे मौत के तख्ते तक ले गया। याद रखें, किसी और को बर्बाद करके, तबाह करके हम अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.